हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बायक्रम जी के। दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यू 2024 मॉडल यमहा MT15 ब्लैक कलर डुअल चैनल ABS के साथ E20 BS7 मॉडल। ये है यमहा MT15 2024 मॉडल E20 BS7। डिटेल्स, रिव्यू, ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, एग्जॉस्ट नोट, सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में पाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी का आपको एग्जॉस्ट नोट ही सुना देता हूँ आवाज़। यहाँ से गाड़ी को हम बंद कर दिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो भाई, फ्रंट देखने से पहले रियर की सीट देखो। यही चीज़ सबसे पहले देखा जाता है कि हम जो बाइक ले रहे हैं उस पर सीट कैसी है। तो सीट सबसे अच्छी आपको मिलती है। सामने से अगर आप देखेंगे तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 2 DRL लाइट और एक रोबोटिक और स्टाइलिश लुक मिल जाता है सामने से। और इंडिकेटर आपको LED वाले चारों मिलेंगे। ये आपका पूरा फेंडर आप देख सकते हैं, काफ़ी गजब का मैट फिनिशिंग दिया गया है 4 NXT वाले नट से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। पूरा लुक आप देख सकते हो इस तरह से रहने वाला है। और यहाँ पर इस तरह से आप इसका हैंडल बार देख सकते हैं, इस तरह से पूरा बार एंड आपको मिल जाएगा। मिरर आप देख सकते हैं, सबसे स्टाइलिश लुक के साथ मिरर अब आपको मिलेगा। और उसके बाद अब इसके अंदर आप देखेंगे टेलीस्कोपिक USD फोर्क गोल्डन कलर में सस्पेंशन आपका रहने वाला है। 282 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा और डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। 17 इंच के आगे और पीछे आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। ये गोल्ड ऑरेंज कलर की है जो कि काफ़ी गजब का कलर है। ऑरेंज कलर की जो एलॉय व्हील होती है वो भाई वाइट पे तो अलग ही मज़ा देती है। मेडगार्ड आपको इस तरह से काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ स्पोर्टी मेडगार्ड मिल जाता है। इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है लंबा चौड़ा। और उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे इसके फ्यूल टैंक के फ्रंट पर यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रिल। यहाँ पर भी आपको ग्रिल मिलेगा। हॉर्न यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है, हॉर्न दिया गया है। और उसके बाद भाई इस बाइक का जो लुक है वो कुछ अलग चीज़ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा गार्ड दिया गया है, वो भी कूलेंट वाला। यहाँ पर देखते हैं रेडिएटर, तो रेडिएटर गार्ड इस तरह से मिलेगा, देख सकते हो इस तरह से रहने वाला है। और उसके बाद अब यहाँ पर साइड पर देखेंगे तो MT15 का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलेगा इस तरह से। कलर और स्टिकर देख सकते हैं, यहाँ पर यमहा का ब्रांडिंग। पियानो ब्लैक कलर रहेगा और यहाँ पर मेट ब्लैक फिनिशिंग रहेगा। डुअल टोन फिनिशिंग, फुल फ्यूल टैंक मिलेगा। यहाँ पर भी आप इस तरह से देख सकते हैं पूरे गार्ड सहित इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आपको इंजन गार्ड मिल जाएगा जो कि काफ़ी गजब का है। और ग्राउंड क्लियरेंस की टेंशन ना लीजिए कि ज़मीन में छू जाएगी, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ही बढ़िया है। और फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का मिलेगा। E20 वाला मॉडल है, सबसे बढ़िया फ्यूल टैंक का कैप आप देख सकते हैं। ये रही इसकी चाबी, जो कि चाबी बहुत ही शानदार। और यहाँ पर इग्निशन दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा इसका फुली पूरा डिजिटल मीटर, कॉल, मिस कॉल, ब्लूटूथ, गियर इंडिकेशन, पेट्रोल, स्पीड, RPM, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताएगा। ये आप देख सकते हैं क्लॉक यहाँ पर दिया है, ये RPM दिया गया है, एवरेज कितना देगी वो बताएगा। TCS कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है, ऑडियो है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये सारा ट्रिप F, ये क्लॉक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर। गियर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये सब पूरा सिस्टम इसके अंदर है। गियर कितना है वो भी बताएगा, जैसे भी आप यहाँ पर एक गियर डालेंगे, दो गियर देखो, तो ये सब पूरा शो करेगा। गियर नहीं लग रहा है क्योंकि एक जगह पे गाड़ी है, तो ये पूरा यहाँ पर गियर बताएगा। देखिए गियर सीधा सीधा लिखा है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। ये RPM देखो, ये यहाँ पर ABS आपका बताएगा। यहाँ पर आपका पासिंग देखो, यहाँ पर बताएगा इंडिकेटर, यहाँ बताएगा TCS, यहाँ बताएगा न्यूट्रल, यहाँ पर आपका बताएगा ये आपका FI लाइट है। ये सब सिस्टम आपको इस तरह से मिलता है। देखिए जैसे ऑन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर RPM लिमिट दी गई है, ये देखिए इसे चलेगा। ये देखो आप सब सिस्टम, यमहा का ब्रांडिंग। यहाँ पर आपका दो की दिया गया है बटन। ये रहा पूरा इसका हैंडल बार, हाई लो बीम, टर्न सिग्नल, पासिंग, हॉर्न, इंडिकेटर। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्टर, इंजन के स्विच अलग है। यहाँ पर इंडिकेटर इसके अंदर नीचे है सब में, अब जो है हॉर्न नीचे रहता है। ये कुछ अलग सा MT15 का डिज़ाइन दिया गया है यमहा का। सीट आपको बढ़िया, सिंगल सीट में सबसे बढ़िया सीट आपको मिलती है, एकदम मस्त, आप लेडीज जेंट्स आराम से बिठा सकते हैं। तो भाई अब इंजन की अगर बात करें तो इंजन आपको देख सकते हैं, इंजन हमने पहली वाली वीडियो में जो मैंने दूसरे चैनल पर डाली है बाइकर MJK पर, तो उस वाले पर भाई आप देख सकते हो। बाइकर MJK 2 दो चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर वीडियो पड़ चुकी है। तो देखो यहाँ पर जो इसका इंजन है ना भाई, वो बहुत ही गजब का इंजन आपको मिलता है। इस तरह से आप पूरा मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पर कूलेंट पड़ता है इसके अंदर, रेडिएटर आपने देख लिया, और रेडिएटर के अंदर फैन भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर पंखा भी है, वो देखिए आप।
तो ये जो आपका 97 अंश सेल्सियस से ऊपर होगा या 7000 RPM ऊपर उठाएंगे तो ये आप ऑटोमेटिक फ़ैन चल जाएगा, VVA एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ का लोगो और इंजन आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, 4 स्ट्रोक है, SOAC है और इंजन जो आपको मिल जाता है भाई वो 155 cc का है, माइलेज 40 से 45 का देने वाली नेकेड बाइक है और 4 वाल पर ये गाड़ी है, 240-245 का माइलेज, FI 6 गियर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, स्लीपर क्लच मिलेगा और मैक्सिमम जो पावर है वो आपको मिल जाता है 13.5 किलोवाट, 18.4 PS का पावर 10000 RPM पे, मैक्सिमम टार्क है 14.1 न्यूटन मीटर का 7500 RPM पर। सीट हाइट आपको मैंने ये रही सीट हाइट पहले देख लीजिए, 810 mm का सीट हाइट आपको मिलेगा और इस बाइक का जो वज़न है वो 140 किलोग्राम है वज़न। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस पहले आपको बता दिया 170 mm है भैया, बहुत ही गजब का, चाहे जैसी ख़राब सड़क हो आराम से आप चला सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया दिया गया है, इसके अंदर गार्ड दिया गया है जो कि यमहा रन 5 में भी आ जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए पूरा इस तरह से पैनल रहेगा, सीट अच्छी आपको मिल जाती है, सीट पर आपको यमहा का लोगो मिल जाता है इस तरह से, ये पीछे का जो साइड का कवर है ये आपको यमहा का ब्रांडिंग रहेगा इस तरह से देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल फुटेज दोनों रहेगा, ब्रेक लीवर है, ब्रेक का आयल है, डिस्क वाला पीछे 220 mm का डिस्क ब्रेक ABS के साथ मिलेगा, पीछे का जो टायर है वो 140/70/17 का रहेगा, ऑरेंज कलर की अलॉय व्हील आपको मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत। ये रहा आपका साइलेंसर, यहाँ पर आपको इस तरह से देख सकते हैं इस बाइक में आपको पीछे का फेंडर इस तरह से रहेगा और रियर की जो टेल लाइट है, ब्रेक लाइट, ये LED वाली मिल जाती है यहाँ FZS वर्जन 4 वाली इस तरह से आप देख सकते हैं और R1 5 वर्जन 4 में अलग तरीके से रहती है। यहाँ पर ये पूरा फेंडर देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ MT-15 का लुक आप देखेंगे इस तरह से गाड़ी दिखेगी, अलग ही डिज़ाइन है, LED वाले इंडिकेटर चारों यहाँ पर नंबर प्लेट लग जाएगा, उसकी लाइट भी यहाँ पर दिया गया है रिफ्लेक्टर के साथ, यह पीछे का फेंडर इस तरह से रहेगा और यहाँ पर भी आपको ये गार्ड मिल जाता है और डेल्टा बॉक्स भाई इसका चेसी है और यहाँ पर आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन पीछे मिलेगा रियर में, ये आपका पूरा गार्ड देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, स्विंग आर्म आपको एल्युमिनियम वाला रहेगा, चेन ड्राइव, सिंगल चेन कवर, सारी गाड़ी इस तरह से रहने वाला है, फ्लेक्सिबल फुटेज आगे पीछे दोनों साइड, स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर। तो ये है पूरी आपकी बाइक, तो यमहा MT-15 और R15 दोनों का इंजन सेम होता है, सेम माइलेज होता है, सस्पेंशन सेम होता है और अलॉय व्हील भी और डिस्क ब्रेक भी, तो ये चीज़ें सेम होती है, हेडलाइट भी सेम होती है यानी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प होते हैं और बाकी जितने चीज़ देख रहे हैं ये सब डिफरेंस रहता है, सस्पेंशन भी सेम रहता है, साकर भी। तो अब इस गाड़ी की जो कीमत है वो आपको पड़ती है 206,000 ऑन रोड प्राइस, यमहा MT-15 न्यू 2024 मॉडल E20 BS7 वाला मॉडल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 206,000 ऑन रोड प्राइस में पड़ता है। वीडियो पसंद आई तो फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें।